सत श्री अकाल जी, नमस्ते जी। कुक इन मंजी स्टाइल में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको बर्गर बनाना बताएंगे, लेकिन बर्गर में हम तीन डिफरेंट स्टाइल की कोटिंग की हुई टिक्की बताएंगे। अब हम टिक्की बनाएंगे। टिक्की के लिए हम उबले हुए आलू लेंगे। मैंने चार उबले हुए आलू लिए हैं। अब इसको हम अच्छे से मैश कर लेंगे ताकि जो स्मूथ हो जाए, इसमें थोड़ा सा भी दाना ना रहे। अब जी हमारा मैश हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे उबले हुए मटर, उबले हुए बीन्स, उबली हुई गाजर और चॉप किया हुआ प्याज। ये हम वेज बर्गर बना रहे हैं, क्योंकि वेज बर्गर में वेजिटेबल्स ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए हम टिक्की में वेजिटेबल्स डालेंगे। अब इसमें आधा चम्मच नमक डाल के तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे मसाला। इस मसाले के लिए मैंने लिया है गरम मसाला, हल्दी, देगी मिर्च, काली मिर्च। अब इसको मिला लेंगे। आप चाहे तो इसमें आमचूर भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम चार चम्मच चावल का आटा डालेंगे। जैसे मैंने चार आलू लिए तो मैंने चार चम्मच डालने हैं। अगर आप दो आलू लेंगे तो दो चम्मच डालिएगा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो घबराइए नहीं, थोड़े से चावल लेके आप इसको पीस सकते हैं। ये देखिए हमारा टिक्की का मटेरियल बिल्कुल तैयार हो गया है। अब एक हम रैपर पेपर लेके उसमें रखेंगे और इसको अच्छे से गोल गोल करके सेट करेंगे। सेट करने के बाद इसको हम 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। आइए अब हम कोटिंग की तैयारी करते हैं। इसके लिए हम 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेंगे, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। 1 चम्मच ऑयल डालेंगे और पानी डाल के इसका बैटर तैयार कर लेंगे। आइए अब हम अपने बर्गर के लिए कुछ वेजिटेबल्स चॉप कर लेते हैं। हमारी सब्जियां चॉप हो गई हैं। इसमें हम थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे। इसमें हम मेयोनी डालेंगे। मेयोनी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। चॉप की वेजिटेबल्स इस तरह बर्गर के अंदर बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाती हैं और इसका जो खाने का स्वाद है वो भी बढ़ जाता है। ये देखिए हमारा टिक्की का मटेरियल बिल्कुल तैयार हो गया है। इसको चाहे तो आप रैपर के बीच में भी काट सकते हैं। मैंने सारी की सारी टिक्की बनानी है, इसलिए इसको मैं निकाल के काटूंगी। ये मटेरियल आप 5 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। अब इस कटे हुए टुकड़ों को गोल करके हम बर्गर के साइज का बना लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम 3 तरह की कोटिंग करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे ब्रेड क्रम के साथ, दूसरा हम लेंगे कॉर्नफ्लेक्स पीस के, तीसरा हम लेंगे खसखस जिसे पोस्त दाना भी कहते हैं। हम तीनों टिक्कियों को एक एक करके बैटर में डिप करके अलग अलग कोटिंग में रख देंगे। अब हमारी 3 डिफरेंट कोटिंग वाली टिक्की तैयार हो गई है। अब इसको हम डीप फ्राई कर लेंगे। जब तक हमारी रेसिपी तैयार हो रही है तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। अब हमारी 3 डिफरेंट कोटिंग वाली टिक्की तैयार हो गई है। आइए अब हम बर्गर बनाते हैं। सबसे पहले हम सॉस लगाएंगे। अब इसके ऊपर चॉप की हुई वेजिटेबल्स स्प्रेड करेंगे। इसके ऊपर अब हम एक टिक्की रखेंगे। अब इसके ऊपर हम एक चीज स्लाइस रखेंगे, उसके ऊपर पत्ता गोभी रखेंगे और ये मेरा बर्गर बिल्कुल रेडी हो गया है। इस तरह से हम दूसरे 2 बर्गर भी बना लेंगे। हमारे बर्गर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब हम हल्का हल्का इनको सेक लेंगे। सेकना इसलिए है क्योंकि हमारी टिक्की बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनी है, हमारा बर्गर भी क्रिस्पी होना चाहिए ना। तो इसके अंदर जो चीज़ है वो थोड़ा सा मेल्ट होना चाहिए ताकि खाने में ये बहुत ज़्यादा चीज़ी लगे।
ये देखिए हमारे बर्गर खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं।